जिलाधिकारी ने थारू जनजाति की छात्राओं को किया पाठ्य पुस्तक का वितरण। डीएम ने थारू क्षेत्र के ग्राम के ग्राम प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु की चर्चा। बलरामपुर थारू जनजाति को आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने एवं थारू जनजाति क्षेत्रों को मूलभूत रूप से संतृप्त किए जाने हेतु परियोजना अधिकारी तेजपाल सिंह के लगातार प्रयासों से जिलाधिकारी ने विकासखंड पचपेड़वा के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित थारू विकास परियोजना बिशनपुर विश्राम में पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार द्वारा थारू ग्राम प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर चर्चा की गई। डीएम ने संपर्क मार्ग विद्युत इंटरनेट कनेक्टिविटी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। संपर्क मार्ग से सभी ग्रामों को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि अब वन विभाग ही रोड बनवाएगा जिससे यह परियोजनाएं क्लियरनेस के अभाव में नहीं रुकेंगी। ग्राम प्रधानों द्वारा झूला पुल की आवश्यकता बताई गई। डीएम ने एक्सीएन को सर्वे पर प्रोजेक्ट बनाए जाने का निर्देश दिया। परिषदीय विद्यालयों में सीएसआर फंड से स्मार्ट क्लास बनाए जाने एवं सोलर पैनल बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने थारू जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के लिए औषधीय खेती, हल्दी की खेती, मशरूम की खेती किए जाने को प्रेरित किया। कहा कि इसके लिए उद्यान विभाग से पौधे एवं अनुदान दिए जाएंगे तथा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने थारू विकास क्षेत्र में दुग्ध कनेक्शन सेंटर खोले जाने का निर्देश दिया। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज को विज्ञान वर्ग में मान्यता कराए जाने के लिए सभी कमियों को दूर करते हुए मान्यता कराए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने विशुनपुर विश्राम के थारू विकास परियोजना कार्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष में नवजात को पोलियो ड्रॉप पिलाया, जननी सुरक्षा योजना एवं मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने चिकित्सालय के नजदीक बने नवनिर्मित भवन को महिला वार्ड बनाते हुए मुख्य भवन से जोड़े जाने का निर्देश दिया। डीएम ने थारू विकास परियोजना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में थारू जनजाति की छात्राओं को बुक वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार, रामकृपाल शुक्ला, समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता चित्तौड़गढ़ बांध बीएसए कल्पना देवी, डीआईओएस गोविंद राम, डॉक्टर अवधेश कुमार व संबंधित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।